Hello everyone, I am Gaurav Dhakate and I am an option trainer in Concept. आज हम देख रहे हैं कि मनीनेस क्या होता है ऑप्शंस में, जानेंगे कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं कि ऑप्शंस में मनीनेस क्या होता है। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी हमने कई बार सुना है और देखा है कि अक्सर कई लोग कहते हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी के बारे में। तो आज जानते हैं कि ये मनीनेस क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई एक स्ट्राइक या ऑप्शन किस प्रकार के मनीनेस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑप्शंस में मनीनेस को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन द मनी, फिर आता है एट द मनी और आखिरी में है आउट ऑफ द मनी। तो अब पहले जानते हैं इन द मनी के बारे में। इन द मनी क्या है? सो एक ऑप्शन जो होता है, तो एक ऑप्शन प्रीमियम दो कंपोनेंट से बनता है। तो पहला कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, और दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अब जानते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू कहूं तो मैं कह सकता हूं एक ऑप्शन की खुद की वैल्यू। सो अगर कोई ऑप्शन एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होता है तो उस दिन उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, या आज के दिन उस एक ऑप्शन की कितनी वैल्यू है। मान लीजिए एक स्टॉक है जो अभी 100 पे चल रहा है और एक स्ट्राइक है और स्ट्राइक प्राइस है 99.8 का। तो अगर उस स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू, मतलब ऑप्शन प्रीमियम, अगर अभी 50 पैसे है तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू केवल 20 पैसा है और इसके ऊपर जो भी है, मतलब 30 पैसा, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एक हमने जाना कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है और एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू होती है जो एक ऑप्शन की खुद की वैल्यू है, और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है वो आप जो भी पे कर रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर वो होता है। तो हमने जाना इन द मनी। तो अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूं इन द मनी के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि इन द मनी ऑप्शंस वो होते हैं जिनमें कोई वैल्यू होती है। तो देखेंगे कि अगर स्टॉक चल रहा है अभी 100 रुपीस पे, तो उसके नीचे, सो मे बी उसके नीचे जो भी स्ट्राइक्स हैं, मान लीजिए 99.8, 99.6, 99.4, 99.98, जो भी स्ट्राइक्स हैं वो सभी इन द मनी है। और यही बात अगर हम करें पुट के लिए, तो पुट के लिए इन द मनी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो पुट के लिए इन द मनी कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए स्टॉक चल रहा है अभी 100 पे, सो पुट के लिए इन द मनी हो जाएगा 101, 102। सो जो भी स्ट्राइक प्राइस स्टॉक प्राइस के ऊपर होंगी वो सभी पुट के लिए इन द मनी हो जाएगी। अब आते हैं एट द मनी के ऊपर, एट द मनी के बारे में। तो एट द मनी में जब स्टॉक प्राइसेस किसी एक स्ट्राइक के प्राइस के काफी करीब आ जाता है तो वो स्ट्राइक एट द मनी बन जाती है। मान लीजिए एक स्ट्राइक है जो अभी 99 पे है और स्टॉक प्राइस भी 99 के एकदम करीब आ गया है, तो वो स्ट्राइक एट द मनी बन जाएगी। तो एट द मनी स्ट्राइक में इंट्रेंसिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये रही बात एट द मनी की। अब हम जानते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक क्या होती है, या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होता है। सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब उस ऑप्शन की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो जीरो होती है।
तो मान लीजिए अभी एक ऑप्शन है जिसका प्रीमियम है 2 रुपए और वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, तो उस ऑप्शन का इंट्रेंसिक वैल्यू 0 रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि एक ऑप्शन प्रीमियम में इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स वो होती है जिनमें केवल टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है और कुछ वैल्यू नहीं होता। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एक्सपायरी तक आते आते 0 होने लगते हैं। ये थी बात ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के बारे में। तो अब देखते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि कोई एक ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है कि नहीं। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी क्या होगा, वो सभी स्ट्राइक जो स्पॉट प्राइस या स्टॉक प्राइस के ऊपर है। मान लीजिए स्टॉक प्राइस है 100 पे, तो 101 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। 102, 103 कोई भी स्ट्राइक जो उसके 100 रुपीज जो कि उसका स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर की सभी स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी है। अब बात करें पुट के लिए, मान लीजिए स्टॉक प्राइस है 100 पे, तो 100 के नीचे जैसे कि 99, 98, 96, 95 जो कोई भी स्ट्राइक्स होंगी, जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो सारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट मनीनेस के बारे में। एक बार हम फिर इसे वापस देखते हैं। देखा इन द मनी। इन द मनी मतलब वो ऑप्शंस जिनमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। फिर हमने जाना एट द मनी के बारे में। एट द मनी में हमने जाना कि एट द मनी स्ट्राइक्स वो होती हैं जो स्पॉट प्राइस के काफी नजदीक हो। और फिर हमने जाना आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में हमने जाना कि वो ऑप्शंस जिनमें कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता और केवल टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल हो। इसी प्रकार बने रहिए कॉन्सेप्ट के साथ और हम इसी प्रकार आते रहेंगे नए नए वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।